जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। या ऐसे बोलते हैं काजू बादाम लेते जाओ और थोड़ा थोड़ा खा के जाओ। मैं तो कुछ भी नहीं खाई चाय के अलावा। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका है मुबाब ब्लॉग में। तो अभी गाइस 5:30 बज चुके हैं, उठ चुके हैं और अब चलते हैं, यात्रा स्टार्ट करते हैं दोबारा। और आज माहौल देख सकते हैं, उस टेंट में सोते हैं और फ़ोन भी चार्ज नहीं हुआ, पता नहीं क्या सिस्टम है उसमें, है ना, शायद बैटरी से चल रहा था, मैं ध्यान भी नहीं दिया। तो फ़ोन चार्ज होने 60% ही है, छोटी लाइट है वही लाइट जलती है उसमें, यही सिस्टम है शायद। तो अब चलते हैं, देखो ये माहौल है यहाँ का, वहाँ पर है केदार बाबा, उस जगह जाना है अपन को। बोले बाबा की जय। और सोन तो 1:30 पहुंच गया था शायद रात को वहाँ पर। सोन इस घर खतरनाक सर्दी है, फोन करा था ना रात को, खतरनाक सर्दी उधर। तो गए वहाँ पर टेंट लेके सो गया था सोन। पूरे दर देखो, दर्शन तो बंद है ना रात को, देखो ऊपर धूप भी आ चुकी है। चलो मौसम तो साफ है और वहाँ पर बारिश तो नहीं हो रही, सोन कहा था। चलो पता नहीं सो रहा वो, तो गया गए इसलिए आराम करने के लिए। पूरी ठेठ गाड़ी चला के लाया, नहीं बोल रहा, गए इसलिए तो थे वो, आराम कर लिया। सही है, कोई बात नहीं, बड़े जम रही गाइस उधर। तो सोन कह रहा है देखो अपन को उधर ही जाना है, वो देखो वही दिख रही है, अरे वो देखो लाइट है, वो धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है। अच्छा रात को सो लिए, थकान दूर हो चुकी है और ऐसे कोई पाँव में दर्द नहीं हो रहा है ना, ऐसे लगानी की ना, मतलब ऐसे कुछ अलग जगह सो रहे हैं। नहीं ऐसे लग रहा है, पर अभी यात्रा स्टार्ट करी है, थकान नहीं हो रही। ले यार मम्मी हाथ में धो लू क्या। गाइस देखो चलो, गाइस हेलीकॉप्टर दर्शन भी कर लिया है, चलते हैं। चल रहे हो देखो, जय श्री केदार। और गाइस कोलगेट कर लिया हूँ, इस झरने में देखो सब कर रहे हैं। सुबह पहले यार मुँह अजीब सा होता है और मुँह भी धो लिया, ठंडा पानी बिल्कुल बर्फ का, आँखें नहीं भी खुल जाए तो भी खुल जाए पानी से। हाँ हाँ इतनी भयंकर ठंडा पानी। और गाइस थकान दूर हो चुकी है सोने से, अगर सोते नहीं ना तो हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा वो सो लिया हमने, क्योंकि ऊपर क्या अब सुबह अलग जगह सोए। मेरे तो वैसे घर वाली फीलिंग आ रही थी वैसे, अब पता ही नहीं चला। देखो एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। चलो जी जय श्री केदार। गाइस सुबह हो चुकी है, सुबह के नज़ारे दिखाता हूँ, चलूँगा आपको। और हवा चल रही है बिल्कुल चिल्ड वाली, ए सी फेल। और वो अब तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, वहीं चलना है अपन को। यार एक बात होता है वो दिया, सारे पहाड़ों की बर्फ़ पिघल जाती है, उस पहाड़ की क्यों नहीं पिघलती, वो तो देख पास में ही है। अच्छा ऐसा है क्या, वो ज़्यादा ऊपर रह गया है ना। यार क्या कलाकारी है यार प्रकृति की, केदार बाबा की। नहीं इंद्रधनुष दिख रहा है तेरे को ऐसे? नहीं इंद्रधनुष नहीं है, तो पहाड़ वो है, देखो कैमरे से दिख रहा है बादल है ना। बादल की लकड़ी चल रही है। अच्छा दो बादल एक साथ, वो पानी वाले बादल हो गए। तो गाइस ये देखो बीच बीच में शूट होने में सीधा जा रहा है उस जगह ऊपर, उस वाले पर। ये देखो दो लोग आ रहे हैं और हमको जाना है यहाँ से घूम के। ये देखो फिर इधर घूमेंगे, फिर इधर घूम के इधर आएंगे, तो अपन रिस्क नहीं लेंगे, चलते हैं। गिर गिरा जाए यार पत्ते पत्ते, वैसे जा तो सकते हैं लेकिन नहीं जाए, ऐसे चलते और है ना राह। वैसे खूब शॉर्टकट बने हुए ऐसे ऐसे, अब रात को दिख रहे नहीं थे, अब सुबह दिखने लग गए, तो लोग भाग जा रहे और आ रहे हैं वहाँ से। जय श्री केदार। एक और हेलीकॉप्टर गया दर्शन कराने, केदार बाबा गाइस हमको पैदल ही बुलाना चाहते थे, मेरी मैया को भी। मैं तो आना ही पैदल चाहता हूँ, मैं भी पैदल ही आना चाहता था लेकिन फिर हेलीकॉप्टर मिल जाता ना तो यार सब साथ में आते, फिर हम दोनों थोड़ी आते हैं यहाँ पर। हेलीकॉप्टर पहले मिल जाता 10-11 किलो, टाइम भी बचता, हर चीज़ बचती। हाँ टाइम भी बच जाता, फिर तो हम हेलीकॉप्टर में आते साथ। हम तो अपन निकल जाते। सही है, वैसे इच्छा तो पैदल की थी मेरी, तेरी भी ना।
मयोरात तुम भी साथ में आते यार। कोई बात नहीं, जय श्री केदार पहुंच गए। बढ़िया है, अच्छा पूजो गई पैदल वाली। भैया इधर आके बैठ गए। ये देखो एक और हेलीकॉप्टर गया। हम बैठे इतनी देर से यहाँ पर चाय पी रही थी मैया, इतनी देर में 10 से ऊपर हेलीकॉप्टर जाके आ चुके, मतलब जा रहे आ रहे 10-12 हेलीकॉप्टर आ रहे भी और जा रहे भी। इतने हेलीकॉप्टर उतारता है बंद भी नहीं होता, फिर दूसरे लोग उतारते दूसरे स्टार्ट करते राउंड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बड़ी क्या लिखा है, बड़ी लिमचोली, बड़ी लिमचोली 2.5 किलोमीटर, बड़ी लिमचोली आने वाले हैं भैया 2.5 किलोमीटर। हाँ बड़ी लिमचोली 2.5 किलोमीटर है, घोड़ों पे जाता है ये सामान खाने पीने का, इसलिए महंगा हो जाता है। अभी पानी की बोतल 80 रुपये की हो गई, यहाँ पर पूछे थे इनका भी तो किराया लगता है, इनको देते हैं लाने ले जाने का, इसलिए महंगी पड़ जाती है। ये भी क्या करे बेचारे, कोई बात नहीं चलता है। तो दिवाऊँ मैं तो सोचा तू साथ छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया यार, मैं देखा तू निकल गया, अब नहीं रुकेगा बेटा। मैं चाहता ना तो निकल सकता हूँ, बस चलेगा ना साथ ही, चल रहे चल ही रही तुम्हें साथ। गाइस उदय बाबू ये देखो केदारनाथ की स्वेटर पहन रखा है, इसके ताऊ जी अभी कितने दिन पहले आए थे यहाँ पर, ताऊ जी गए थे 12 तारीख को, हाँ और वापस आए थे 25 तारीख को, तो यहीं से इसके ताऊ जी खरीद के लेकर गए थे इसके लिए, और ये यहीं पर पहन के आ गया। इसको ये बोला ये स्वेटर मैं केदारनाथ की पहनूंगा यार, वहाँ दर्द पीछे घोटा, वहाँ पे गर्मी है अपने, वहाँ पे मैं चेक भी नहीं करा था पहन के कि मेरी साइज का है है बस। ये घोड़े वाले परेशान कर रहे हैं यार, कल रात को सही आ गए हो देव अपन, ये देख कितना परेशान कर रहे थे, बार बार ही रोक रहे हैं हमको, तो इनका डर हो रहे, टल्ला देते जा रहे, गिरा ना दे बस। जय श्री केदार, खूब बड़े खूब घोड़े, और गए हेलीकॉप्टर कोई 50 से ऊपर निकल चुके आ रहे और जा रहे हैं। देखो रास्ता, वो देखो वहाँ है केदार बाबा, और अपन को ना पुल पार करना है, हेलीकॉप्टर आ रहा है ना, वो वहाँ से आ रहा है। जय श्री केदार, ये देखो एक और आ गया, और ये देखो धूप आ चुकी, मौसम बढ़िया है गाइस वहाँ पर, बारिश तो नहीं हो रही, बस मेन तो डर यही था बारिश ना आए। और अभी वैसे गाइस मैं जूते इसलिए नहीं पहन रखा वहाँ पर, यमुनोत्री मैया के छड़ा था ना तब भी दर्द हो गया था, तो आप देख लेना जूते भी लेकर आना, लेकिन और चप्पल से छंडा जहाँ तक छड़ सको। ये देखो चप्पल से आ गया ना, और सोन भी चप्पल से आया था, उदय बाबू भी चप्पल से आया था, बस अभी सुबह सुबह पहना है जूते, जूतों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, छड़ा छंडने में तो आसानी है, लेकिन आप लोगों के जूते में चप्पल भी जब भी काम करेगी, जब कीचड़ नहीं होगा, अगर गीला कीचड़ होगा तो चप्पल पिसलेगी, जब तो चप्पल तो पहनना ही मत। अभी बारिश नहीं आ रही और देखो सूखा है, इसलिए मैं चप्पल से मैं चल रहा हूँ जहाँ तक चल सकूँ, फिर बाकी उधर बर्फ़ में देखूँगा नहीं चला जाएगा, तो अभी पाँव गीले हो गए थे वैसे फिसल रहा था बार बार, जहाँ तक चल सकूँ वहाँ तक चप्पल नहीं तो जूते, चलते हैं इसी यार। मेरी मैया थक चुकी है लेकिन बाबा एनर्जी दे रहे हैं। जाओ गाइस यहाँ ऐसे बोलते हैं काजू बादाम ले के जाओ और थोड़ा थोड़ा खा के जाओ, मैं तो कुछ भी नहीं खाई चाय के अलावा, रात में भी नहीं ली और अभी भी नहीं लूंगी, क्योंकि मैं खा लेती हूँ तो मुझसे चला नहीं जाता। तो गाइस क्या पता बाबा ने पैदल ही बुलाया मेरे को, नहीं खाता पैदल ही दर्शन करने, तो आप लोग भी आना एक बार, और यार आना स्वर्ग स्वर्ग एक बार आप स्वर्ग नजर ऐसे स्वर्ग, काजू बादाम तो ऐसे खेने की बात है ना भैया, काजू बादाम खाने से चला नहीं जाएगा, घर घर पे खाने से कई फर्क पड़ जाता है। ये बताना मैं चल सकती हूँ, बस खा के चला नहीं जाता, बाबा एनर्जी देते हैं गाइस, काजू बादाम से ज्यादा शक्ति तो बाबा दे रहे हैं ना, साथ चल रहा है बस। जय श्री केदार, मैं ना तीसरी बार है यात्रा मेरी चारों धामों की, तीनों बार पैदल पैदल लोग ऐसे बोलते हैं आप कैसे आ गए, हम तो एक बार भी थक गए। गुड़े जाएगी ये परेशान कर रहे हैं गाइस, ये देखो दड़ा दड़ जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तेरे को तो कुछ मुझे इसके साथ केदारनाथ 7 किलोमीटर बचा है गाइस, हाँ तो इतना ही होगा वैसे ज़्यादा नहीं है। जय श्री केदार,
7 बज चुके हैं, तो रास्ता देखा कैसा आ चुका है, पानी पानी आ रहा है, कीचड़ कीचड़ हो रहा है, निकल गया पानी। यहाँ पर संभल कर चलना पड़ेगा, चप्पल और पहन रखा हूँ। जय श्री केदार। फिर मैया चल रही है आगे। मैया जी थक गए क्या? ओम नमः शिवाय। हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। उठ गया हेलो गाइस। अभी क्या बताया था कितने किलोमीटर होता था? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर उधर देखना। हम 9 किलोमीटर ही आए गाइस कल से गौरीकुंड से। क्या पता यार क्या सिस्टम है। जाते हुए ना, जाते हुए वो मत देखो क्या नाम है जो पीछे की तरफ जा रहे ना वो वाले, वो देखो वो असली पता है। हाँ ये वो असली है, ये नकली था। अपन तो नहीं यार आए तो सही है, अपन 9 से ज्यादा आ गए। नहीं नहीं सही सही लिखा हुआ है। अरे यार छड़ा ना अपन को लग रहा है ऐसा यार, यहाँ से तो देखो देखो 9 किलोमीटर बता रहा है। अरे ऐसा लग रहा है अपन थक चुके हैं ना, इसलिए थके तो नहीं है, थके तो नहीं है वैसे, लेकिन ऐसा ऐसा लग रहा है इतना चल लिए ना अपन तो ऐसा लग रहा है अपन ज्यादा आ गए, लेकिन अपन आए 9 किलोमीटर ही। ऐसा भी हो सकता है क्या पता सही लिखा हो। बिल्कुल परेशान कर दी यार, अभी गिरता गिरता बचा हुआ और आते दड़ा दड़ा ही। टाइम फिक्स कर दिया अभी, इनका रास्ता अलग होना चाहिए यार। सामान लाने ले जाने का दौड़ों का सर, ये रास्ता अलग ही होता है मदद। ये बहुत परेशान करते हैं, बीच बीच में रोक देते, देखो और फिर चिल्लाते और हटते नहीं होते, बस भगाते हुए निकल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रखते आगे कोई चल रहा है यात्री। तो गाइस हम पहुँचने वाले केदार बाबा के, बस थोड़ी सी दूर है, 7 किलोमीटर ही तो है यार, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। ये बोले पास में ये क्यों उड़िया पास में? अरे ये देख बर्फ बर्फ जम रही, बर्फ बर्फ नहीं है, बर्फ है ये, बर्फ नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना बात है यार ये। अरे बर्फ है तू मान से, ऊपर वाली बर्फ है। अरे ये भी बर्फ है, ये देखो गाइस, गाइस ये झूठ बोल रहे, कुछ नहीं बाटे वो, मैं कह रहा हूँ ना बर्फ है, बोल लगी फिर पूछ ले किसी से भी, बर्फ है ही नहीं वो। अरे ऐसी जमती यहाँ पर? अरे कुछ नहीं जमती, मत मान, अभी ऊपर दिखाऊंगा देना, ऐसी गंदी सी बर्फ आएगी ऊपर, डूंगर के बाटे ये, मत मान, जम गए ले देख वो पिघल रहे, देख पानी पिघल रहे नहीं, उनके बीच में से पानी आ रहा है यार देखो ना। अरे बावली झालर में खेलो ना, ये देख बर्फ है ये, तो मान चाहे मत मान, अभी दिखाऊंगा तेरे को ऐसी कैसी, अभी गधेरा पहाड़ आएगा गधेरा मैया खेरी, देखते देख लेना ऐसी बर्फ आएगी। तो गाइस नीचे दिखाया था मैं 18 किलोमीटर है एस बी आई का एटीएम, और ये देखो 0.4 किलोमीटर तेरे पर नीचे से 18 किलोमीटर आ गए तो एटीएम आ गया, तो फिर अब यहाँ से 9 किलोमीटर की है गौरीकुंड। क्या पता यार ये थोड़ा उल्टे है ना, उल्टे में कम बता रहे, क्या पता यार क्या सिस्टम है गाइस, समझ में नहीं आ रहा। अरे जैसे अपन लोगों को दिलासा दे रहे ना वैसे उतरने वालों को भी दिलासा दे रहे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ सही कह रहा है तू, उतरने वालों को भी ऐसा हो सकता है। देखो चक्कर 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 5-6 किलोमीटर है तो उतरने वाला भी नहीं थके, लेकिन कितना किलोमीटर है तो उतरने वाला भी तो थकेगा ही। लो उधर से वीडियो बना दे मैं आ रहा हूँ यार, देख के बना। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव, ओम बम भोले। क्या ये बड़ी मिंचोली 1.5 किलोमीटर, हर हर महादेव, ओम बम भोले। तो होगा इसको चलते रहो गाइस मेरे साथ, केदारनाथ की यात्रा का आनंद उठाएं घर बैठे बैठे। जय श्री केदार। लेकिन जब तक इनके पास ज्यादा भी लोग आए पहुंचेंगे आराम से, अपन भी देख रहे होंगे। हां गाइस जब तक भी लोग आएगा हम भी घर आ जाएंगे और हम भी घर से ब्लॉग देखेंगे यार। चलो ये दिखाओ सामान। 7:30 बज चुके हैं और यहाँ से केदार बाबा है 6 किलोमीटर, मतलब यमुनोत्री जी की चढ़ाई।
अभी भी 6 घंटे लग सकते हैं अपन यमुनोत्री में चढ़ने में। देख लो कितना टाइम लगा था। अब स्टार्ट हो रही है यमुनोत्री जितनी चढ़ाई, तो चलते हैं बाबा का नाम लेते रहते हैं। और ये लकड़ी जरूरी गाइस, जरूर ले लो, घोड़ों को साइड में हटाने काम आती है। एकदम से आ जाते हैं, लकड़ी ऊँची कर दो, उठ जाएंगे। तो देखो कितने आ रहे हैं, परेशान कर दिए। कल रात को चल रही है, इतना पता नहीं चल रहा था, अब पता चल रहा है सुबह। देखो यार ये लगी परेशान कर, ये देखो गाइस बर्फ झरना है, ये बर्फ जम रखी है सब। और ये देखो मेरा झरना, जय श्री केदार। केदारनाथ 6 किलोमीटर बचा है, अभी आधा किलोमीटर पहले भी 6 किलोमीटर ही था। ये देखा 6 किलोमीटर है गाइस, भैया वापस 6 किलोमीटर। तो गाइस हम स्वर्ग आ चुके हैं, जहाँ शिव वही स्वर्ग। ये देखो फोटो खिंचा ले उधर खेच गया। तो गाइस केदार बाबा सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है, आप देख सकते हैं 1.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर ही हो रहा है। 3 जगह गाइस 6 किलोमीटर आ चुका है।